हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हम 6वीं क्लास लेके आपके लिए आए हैं और इसमें 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे हमने सेट किए हैं, और ये 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को स्किप नहीं करेंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यदि एक भी क्वेश्चन आपने स्किप किया तो आप सीधे सीधे 1 मार्क्स को यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, और 10 क्वेश्चन के बाद जो 11वां क्वेश्चन है ये आपके लिए बोनस है, और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहले आप जो 11वां क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, श्रृंगकंठ दर्रा स्थित है। तो कहने का मतलब है, श्रृंगकंठ दर्रा किस किस के बीच स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तरकाशी तिब्बत, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और पिथौरागढ़, और चौथा ऑप्शन है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य। तो इनमें से जो भी आंसर सही है, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राज्य की लंबाई। कहने का मतलब है, उत्तराखंड की जो लंबाई है ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, वो कितने किलोमीटर है? तो ये है 358 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, ईस्ट इस साइड हो गया और वेस्ट इस साइड हो गया, नॉर्थ एंड साउथ। तो ईस्ट में आपका पिथौरागढ़ हो गया और वेस्ट में आपका हो गया उत्तरकाशी। तो इन दोनों के मध्य हमको यहाँ पे जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? तो ये लंबाई हो जाएगी आपकी 358 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पर हम जो देहरादून और हरिद्वार वाला क्षेत्र है इसको हम वेस्ट मान के चलते हैं, और ईस्ट वाला क्षेत्र है ये पिथौरागढ़ को मान के चलते हैं। तो ईस्ट और वेस्ट के मध्य की जो लंबाई है ये है 358 किलोमीटर। यदि हम बात करते हैं नॉर्थ और साउथ की, नॉर्थ यानी कि आपका जो उत्तरकाशी वाला एरिया है और साउथ वाला जो एरिया है, इसके मध्य जो लंबाई है, दूरी है कुल, ये है 320 किलोमीटर। तो दूसरा क्वेश्चन है, राज्य की कुल चौड़ाई है नॉर्थ टू साउथ, ये है 320 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय तथा मैदानी भाग हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जो पर्वतीय भाग है वो है 86.07%, और इसके बाद जो बाकी बचा हुआ भाग है ये है मैदानी भाग, और ये हो जाता है 13.93%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैप से क्लियर करते हैं। तो थोड़ा सा इस मैप से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसको स्पर्श कौन कौन से जिले उत्तराखंड के करते हैं। तो हम एक साइड से यहाँ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला जिला है आपका देहरादून, जो यहाँ पे स्थित है। यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा ये भी क्लियर करते हैं, यदि हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो ईस्ट और वेस्ट के बीच की कुल दूरी है 358 किलोमीटर। और यदि हम बात करते हैं नॉर्थ टू साउथ की, नॉर्थ से साउथ तक की कुल दूरी है ये है 320 किलोमीटर। तो दो चीज़ें यहाँ पे ये क्लियर हो गई हैं। अब आगे क्लियर करते हैं, उत्तर प्रदेश को कौन कौन से ज़िले यहाँ पे टच करते हैं। तो पहला है आपका देहरादून, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है पौड़ी, चौथा है नैनीताल और पाँचवा है ऊधम सिंह नगर। तो ये 5 जिले हैं, फिर से यहाँ पे क्लियर करता हूँ। पहला ये है देहरादून, दूसरा यहाँ पे स्थित है हरिद्वार, तीसरा ये पौड़ी है, चौथा नैनीताल और पाँचवा ऊधम सिंह नगर। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और क्लियर करते हैं। तो जो आपका पौड़ी है, ये पौड़ी वाला क्षेत्र है, तो पौड़ी एकमात्र ऐसा जिला है उत्तराखंड का जो 7 जिलों से अपनी सीमा रेखा बनाता है। पौड़ी एक ऐसा जिला है जो 7 जिलों से अपनी सीमा रेखा बनाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, 4 ऐसे जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्य से, या जिनको हम कहते हैं आंतरिक
जिले जो किसी अन्य राज्यों से सीमा रेखा नहीं बनाते हैं, तो वो चार राज्य हैं, चार जिले हैं। पहला जिला है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। तो ये चार जिले, तो यहाँ पे चार जिले आपके हैं। पहला है टिहरी, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है बागेश्वर और चौथा है अल्मोड़ा। ये चार जो जिले हैं इनको आंतरिक जिले कहा जाता है, जो किसी भी अन्य राज्य से टच नहीं होते हैं या जिनकी सीमा रेखा किसी अन्य राज्य से टच नहीं होती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक देशों की सीमा रेखा को स्पर्श करता है, तो ये है पिथौरागढ़। यहाँ से आपका पिथौरागढ़ का जो ऊपरी क्षेत्र है वो तिब्बत को स्पर्श करता है और ये वाला क्षेत्र नेपाल को स्पर्श करता है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक नदी है, इसको कहा जाता है काली नदी, और काली नदी नेपाल और उत्तराखंड के बीच में सीमा निर्धारण का कार्य करती है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो ये है देहरादून और उत्तरकाशी। तो जो मैप है इससे क्लियर करते हैं, हिमाचल प्रदेश दोस्तों आपका यहाँ पे स्थित है और हिमाचल प्रदेश को जो टच करने वाले जिले हैं ये है, हिमाचल प्रदेश की पूरी बाउंड्री यहाँ से जाती है और हिमाचल प्रदेश को टच करता है, एक तो उत्तरकाशी करता है और दूसरा करता है देहरादून। यहाँ से लेकर यहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री है और यहाँ पे है एक उत्तरकाशी, हिमाचल प्रदेश को टच करता है और दूसरा करता है आपका देहरादून जिला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था मैनाक पर्वत के नाम से। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियाँ कौन कौन सी हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, तो ये है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। इसके बाद दूसरे नंबर पे है कॉमेट 7,756 मीटर। तीसरे नंबर पे है नंदा देवी पूर्वी, नंदा देवी पूर्वी नंदा देवी को ही कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे है नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी कुल ऊंचाई है 7,434 मीटर। और चौथे नंबर पर आता है माणा, जिसकी कुल ऊंचाई है 7,272 मीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो ये होती है हिमालय के बृहद हिमालय के ऊपरी भागों में। आगे बढ़ते हैं, शिवालिक हिमालय का वो कौन सा स्थान है जहाँ वर्षा ऋतु में सामान्य से सर्वाधिक वर्षा होती है या सामान्यतः तो सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये होती है नरेंद्र नगर, जो आपका पड़ता है टिहरी गढ़वाल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, प्रायः दिसंबर जनवरी में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना भारत में होती है, तो यह भारत में कहाँ होती है, तो ये होती है मसूरी में। तो दोस्तों जो विंटर लाइन है ये प्रायः दिसंबर और जनवरी के महीने में देखी जाती है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और भारत में कहाँ होती है, तो भारत में होती है मसूरी, और विश्व में मसूरी के अलावा कहाँ होती है, तो ये होती है स्विट्जरलैंड में। मसूरी के अलावा विंटर लाइन की घटना कहाँ होती है, तो ये होती है स्विट्जरलैंड में। अब दोस्तों विंटर लाइन नामक घटना होती क्या है, तो ये सामान्यतः तो दिसंबर और जनवरी के महीने में देखी जाती है, यानी कि जो सर्दी का मौसम होता है, विंटर का जो मौसम होता है, यहाँ पे ये घटना देखी जाती है। तो होता क्या है, जब सूर्य ढल जाता है इसके पश्चात हमें 10-15 मिनट बाद तक सूर्य की रोशनी नज़र आती है, और ये रोशनी एक लाइन के रूप में नज़र आती है जिसे हम कहते हैं विंटर लाइन, और यह मसूरी में होती है दिसंबर और जनवरी के महीने में। तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बोनस क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि श्रृंगकंठ दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये है उत्तरकाशी तिब्बत के मध्य है, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल तिब्बत के मध्य, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल और पिथौरागढ़ के मध्य, और चौथा है उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य।